वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, झारखंड में नया सियासी समीकरण तैयार हो गया है। जेएमएम के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम रहे चंपाई सोरेन, क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। उनके नए सियासी भविष्य से सस्पेंस उठ गया है। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद हिमंत बिस्व शर्मा का ऐलान, 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे चंपाई सोरेन। बड़ी खबर, बड़ी राजनीतिक खबर, चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। कल उनकी दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और इसके बाद असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है कि 30 अगस्त को रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन की अमित शाह से मुलाकात के दौरान झारखंड के लिए बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर हिमंत बिस्व शर्मा ने चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। और झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस ऐलान के बाद जेएमएम पर तंज कसा। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कहा कि जेएमएम का पूरा सूपड़ा साफ हो गया है, आंदोलन से बनी पार्टी अब महज दलालों की गिरफ्त में है, ये निशिकांत दुबे का कहना है। तो रांची में अब बीजेपी का दामन थामेंगे 30 अगस्त को चंपाई सोरेन और उसके बाद ये प्रतिक्रियाएं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।